तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोना काल में हुआ क्या था कि काफ़ी लोग घर बैठ गए थे और उनमें से कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, यानी कि ऑफिस का सारा काम अपने घर से कर रहे थे। और अगर आप किसी से बात भी करना चाहते थे तो वो ऑनलाइन मीटिंग करते थे, यानी कि दोस्तों ग्रुप के अंदर वो वीडियो कॉल करके बात कर ले रहे थे। और यही बात करते हैं स्कूल के बच्चों की, तो स्कूल के बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई थी, जिसमें सभी बच्चे ऑनलाइन वीडियो कॉल की मदद से पढ़ रहे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ जो इन सभी कामों को करवाती है, यानी कि अगर आप किसी से ऑनलाइन बात करना चाहते हैं, ग्रुप में वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो आप उस एप्लीकेशन की मदद से आसानी से किसी से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो आप अपने ऑफिस के ग्रुप को कॉल करके सारा काम ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी वीडियो कॉल पर, अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो आप वीडियो कॉल की मदद से उसको ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, स्कूल के ग्रुप के वीडियो कॉल में ऐड करके वो आसानी से घर बैठे भी ऑनलाइन पढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर सबसे पहले आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको उस एप्लीकेशन को किस तरीके से डाउनलोड करना है उसके बारे में बता देता हूँ। आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन में, और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है जूम ऐप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले भी जूम एप्लीकेशन को सर्च कर लिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, और इंस्टॉल ये हमारा एप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसको कर लेते हैं ओपन। तो ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से ओपन करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों तीन ऑप्शन मिलते हैं, ज्वाइन ए मीटिंग देना है, साइन अप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी होती है। तो मैं जैसे कि सपोज़ करिए कि यहाँ पर मैं कोई डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा, जिस सन में आपका बर्थ है वहाँ पर आप उस सन को यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देनी होती है, यानी कि अगर आपके पास कोई जीमेल आईडी तो यहाँ पर आपको देनी होगी। तो यहाँ पर मैं जीमेल आईडी दे देता हूँ, और यहाँ पर आपको अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर देखने को मिल जाता। तो यहाँ पर आपके इस ईमेल एड्रेस पे हमने एक मेल किया है, आप उस ईमेल की मदद से यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैं क्लिक कर लेता हूँ और अपने ईमेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ, जो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम की तरफ से मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई है, मेल आया है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कोड, और यही कोड आपको आगे जाकर उस एप्लीकेशन पर डाल देना है और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने उस OTP की मदद से मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, तो यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी डाल लिया। और यहाँ पर अब आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, तो यहाँ पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना है। तो यहाँ पर मैं कोई एक अच्छा सा पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कैपिटल होना चाहिए, यानी कि बड़ा अक्षर होना चाहिए अंग्रेजी शब्दों का। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको करना है नोट नाउ, यहाँ आपको नोट नाउ कर लेना है, और यहाँ पर सभी चीज़ें को अभी आपको नोट नाउ कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट बन चुका है, यहाँ से आप कोई फ़ोटो लगा सकते हैं और अपने प्रोफाइल को अच्छी तरीके से दर्शा सकते हैं लोगों के सामने। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक प्रोफाइल लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रोफाइल पिक सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर लेना है। तो यहाँ मैंने जैसे कंटिन्यू किया और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए कुछ इस तरीके से गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन में अकाउंट है वो बनके तैयार हो जाता है। अब आप इसकी मदद से किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर कर सकते हैं, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, शेड्यूल रख सकते हैं, शेयर स्क्रीन कर सकते हैं, नाउ मीटिंग। यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा स्कूल की छुट्टियों में घर बैठा हुआ है और ऑनलाइन क्लासेस अगर उसकी चल रही तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से उसकी स्टडी पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।